Good morning, my lovely children. Here I am your English subject teacher, Upma Sharma. Today we are going to read chapter number 19 and the name of this chapter is Compound Words. Compound Words ka matlab hota hai Sanyukt Shabd. Okay? So let's start it. Sometimes when we add two words together, we make a new word. कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम टू वर्ड्स को एक साथ मिलाते हैं जोड़ते हैं तो उससे एक न्यू वर्ड क्रिएट होता है. एज़ यू कैन सी हेयर इन द एग्जांपल दैट टी इज़ हेयर इज़ वन वर्ड एंड पॉट इज़ एन अनदर वर्ड एंड व्हेन वी जॉइन दीज टू वर्ड्स इट विल मेक अ न्यू वर्ड एंड दिस वर्ड विल बी कॉल्ड एज कंपाउंड वर्ड. ओके, ये यहाँ पे टी वन वर्ड है, पॉट एक यहाँ पे अदर वर्ड है और जब हम इन दोनों को एक साथ ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, टी पॉट. और इसी तरीके के जो वर्ड्स होते हैं जो टू वर्ड्स को मिलाकर बनते हैं उनको कंपाउंड वर्ड्स कहा जाता है. ओके, नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज नंबर 1 एंड इन दिस एक्सरसाइज वी हैव टू फिल इन द मिसिंग वर्ड्स. जहाँ कहीं आपको गैप दिया हुआ है वहाँ आपको वर्ड को फिल करना है. हियर यू कैन सी दैट अंडरस्टैंड this is a compound word here and under is given here and the remaining stand will be written here. यहाँ लिखा जाएगा, इसको क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें से अब stand ही बच रहा है, यहाँ पर under लिखा हुआ है. ओके, इन दिस सन स्क्रीन. अब हमें इसको क्या करना है, देखिए यहाँ इसको कंपाउंड वर्ड बनाना है तो ये बन जाएगा सन स्क्रीन. ठीक है, नाउ अब क्या है, ब्रोमिस्टिक, दिस इज अ कंपाउंड वर्ड एंड ब्रोम इज गिवन हेयर सो द रिमेनिंग वर्ड स्टिक विल बी रिटेन हेयर. ओके, ब्रोम आपको दिया हुआ है, जो गैप है अब क्या बचता है इसमें से, स्टिक एक वर्ड बच रहा है तो यहाँ पे स्टिक को हम लिखेंगे तो इससे ये गैप फिल हो जाएगा. ओके, अब यहाँ पे क्या है, कंपाउंड वर्ड है ऑनलाइन, लाइन आपको दिया हुआ है तो क्या यहाँ पे रिमेनिंग क्या है, ऑन, तो ऑन को हम यहाँ लिखेंगे. ओके, अब क्या करना है आपको, देखिए बटर दिया हुआ है और फ्लाई दिया हुआ है, अब आपको इसको जोड़कर ज्वाइन करके आपको कंपाउंड वर्ड बनाना है तो ये क्या बन जाएगा, बटरफ्लाई. इसमें क्या है, फोटो कॉपी, दिस इज़ अ कंपाउंड वर्ड. ओके, एंड फोटो इज गिवन हेयर सो द रिमेनिंग वर्ड कॉपी विल बी रिटन हेयर. ओके, हेयर दिस वर्ड इज हेयर स्टाइल एंड दिस इज़ अ कंपाउंड वर्ड एंड स्टाइल इज रिटन हेयर एंड द रिमेनिंग वर्ड हेयर विल बी रिटन हेयर. ओके, एयरपोर्ट, व्हेन वी जॉइन दीज टू वर्ड्स इट विल मेक अ न्यू वर्ड एंड दिस विल बी कॉल्ड एज कंपाउंड वर्ड एंड दिस विल बी एयरपोर्ट. सो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड वर्ड्स. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.